आज की इस वीडियो में हम एक रिपेयर मोबाइल का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था और एक साल का इंश्योरेंस भी करवाया था 449 रुपये पे करके। तो दोस्तों, क्या मुझे ये रिपेयर करके दिए अच्छी तरीके से या फिर नहीं दिए, इसके बारे में हम आपको दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको थोड़ी बातें समझा देता हूँ कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, जैसे मोबाइल या लैपटॉप, तो आपको मोबाइल ख़रीदते हैं तो कम्प्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन का वहाँ पर ऑप्शन आता है, उसे अगर बाय करते हैं आपके मोबाइल के प्राइस के हिसाब से उसका इंश्योरेंस भी रेट दिया जाता है। तो मैंने 449 रुपये का इसे ख़रीदा था और एक साल का इंश्योरेंस होता है। जैसे कि आप एक साल के अंदर अपना मोबाइल तोड़ देते हैं या फिर टूट जाता है या फिर वाटर डैमेज हो जाता है, कोई भी इशू होता है, तो ये इंश्योरेंस फुल देते हैं और आपको सर्विस करके देते हैं। तो क्या मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे सर्विस करके दिए या नहीं, तो मैंने इसे क्लेम भी किया था। क्लेम करने के बाद 4 दिन के बाद ये मेरा फ़ोन ले गए और 10 दिन के बाद मुझे दे गए। तो आज हम यही जानने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये सही तरीके से मेरा मोबाइल रिपेयर करके दिए हैं या फिर डुप्लीकेट तरीके से ये रिपेयर करके दिए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि भी जानकारी अपने चैनल पर लाए आप तक पहुँच सके। तो चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये मुझे रिसीव हो चुका है, जो कि मैंने जिसको सेंड किया था फ्लिपकार्ट को, ये रिपेयर करके मुझे कुछ इस तरीके के पैक करके मुझे सेंड किए हुए हैं। यहाँ पर मेरा नाम और एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। चलिए मैं इसे फटाफट से इनबॉक्स करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मुझे रिपेयर करके किस तरीके से मिला है। तो इसे मैं फटाफट से खोल लेता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें सेंड किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं बबल पेपर से अच्छी तरीके से लपेट दिया है ताकि डिवाइस को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे चांसेस होते हैं टूटने फटने के, तो वो रिस्क नहीं ले सकते कोई। तो आपको भी कुछ इस तरीके के पैक करके भेजना होता है, मैंने भी ऐसे ही सेंड किया हुआ था। और ये वही मेरा बॉक्स है जो मैंने सेंड किया था सेम, तो इससे पता ये चलता है कि मुझे वही फ़ोन सेंड किया गया है, कोई फ्रॉड फ़ोन नहीं भेजा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं S5 Pro ही सेंड किया गया है। अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पर ये डब्बा खोलने के बाद देख सकते हैं मेरा वही ये डिवाइस है, मेरा फ़ोन, इसे सेंड करते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यहाँ पर गूगल पेपर कितना सेंड किया गया है। देख सकते हैं इसे इसलिए इतना ज़्यादा डाला है ताकि डिवाइस को कोई नुकसान ना हो टूटने फटने गिरने की वजह से। और इसे भी हम अब साइड करते हैं, अब ये कोई काम का नहीं है, लेकिन ये बहुत सेफ्टी है, इसे रहने से कोई टूटता नहीं है सामान। और ये मेरा वही बिल जेरोक्स है जो कि मैंने इसे सेंड किया हुआ था, इससे पूरा ये कंफर्म हो चुका है कि मेरा वही फ़ोन मुझे सेंड किया है इन्होंने रिपेयर करके। तो इसे भी हम साइड करते हैं और अब अपने डिवाइस की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी कुछ नहीं है और बस सिर्फ बिल और फ़ोन ही आपको भेजना होता है और वही उनको भी भेजना होता है, तो उन्होंने भी वही रिपेयर करके भेज दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक पन्नी में लपेटा हुआ, इन्होंने अच्छी तरीके से लेमिनेशन भी करके भेजा है ताकि डस्ट वगैरह से बचाया जा सके। आप चाहें तो इसमें टेम्पल ग्लासेस लगा सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल। ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल, जिस तरीके से नया आपको मिला था ख़रीदते समय उसी तरीके का ये बिल्कुल नया बन के आया है और बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अभी नया नया ख़रीदा है इसे। तो इसे 2.5 महीने ही हुए थे मैंने ख़रीदे थे, अब इसे हम थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे फर्स्ट मैं इसका कैमरा ओपन करता हूँ और कैमरे के आइकन भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और फ्रंट कैमरे को भी चेक कर लेते हैं कि कैमरा कैसा है, बैक भी ठीक ठाक है और फ्रंट को भी चेक करते हैं। आपको फ्लश से दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैं रात को शूट कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूँगा, आप देखिए कि किस तरीके का ये फ़ोन मुझे रिपेयर होकर मुझे मिला था और इसका डेमो भी आपको दिखा देंगे। अब यहाँ पर हम इसकी सेटिंग को ओपन कर लेते हैं और मैं देखते हैं एक बार कंफर्म करके कि मुझे वही फ़ोन मिला है या नहीं। या आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वही मॉडल नंबर, वही मेरा सीरियल नंबर, सब कुछ वही है, यानी कि मेरा ओरिजिनल फ़ोन ही मुझे सेंड किया गया है। तो इसे मुझे 15 दिन लग गए मुझे मिलने में। और आपको भी इस तरीके से क्लेम कैसे किया जाता है मैं अगली वीडियो में बता दूँगा। तो दोस्तों, आपने अनबॉक्सिंग देख ही लिया कि मुझे अच्छी तरीके से बिल्कुल ओरिजिनल डिस्प्ले लगा करके मुझे 10 दिन के अंदर अंदर भेज दिया गया मेरे घर तक। तो मैंने रिसीव भी कर लिया और मैंने आपको अनबॉक्स करके भी दिखा दिया। तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि आपको ये सर्विस कैसे मिलेगी। आप जब फ्लिपकार्ट से मोबाइल ख़रीदते हैं तो कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन का प्लान लेना होता है, मैंने 449 रुपये का लिया हुआ था। फिर अगर आपका एक साल के अंदर अंदर मोबाइल टूट जाता है तो आपको जिसको क्लेम करना पड़ता है, आप इस नंबर पर क्लेम कर सकते हैं कॉल करके। और इनसे आप चाहे तो कैश भी ले सकते हैं या फिर आप रिपेयर के लिए सेंड भी कर सकते हैं। तो मैंने सेंड किया था अपने केस में, तो मुझे रिपेयर होकर अच्छी
अच्छी तरीके से आ जाता है। और आप भी ऐसा ही करें कि रिपेयर के लिए सेंड कर दें वो ओरिजिनल डिस्प्ले या फिर टच भी, अगर आपका टूट जाता सिर्फ टच तो आप कैश ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका पूरा डिस्प्ले और टच दोनों चला गया है कुछ नहीं दिखता है तो ऐसे में आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ सेंड ही करना पड़ेगा। तो इसे कैसे क्लेम करते हैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से क्लेम किया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।